हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मेसिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे हमारे एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे। पहले एग्जाम की टेंशन थी, एग्जाम कब हो रहा है और एग्जाम कैसा जा रहा है, ये सब तो हो गया अच्छे से कंप्लीट। तो आप लोग के एग्जाम भी अच्छे गए ये भी मुझे पता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी तो देती हूँ ना। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आप लोगों के ही कमेंट्स डाउट्स जो थे कि दीदी हमारे एग्जाम के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं और कुछ स्टेट्स में हमारे एग्जाम्स कब होंगे। जैसे कि कर्नाटक से एक बच्चे का कमेंट आया था कि हमारे स्टेट में कब एग्जाम होंगे, राजस्थान में एग्जाम कब होंगे। तो इस वीडियो में ये सब बात कर ये इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और एग्जिट एग्जाम किन स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा और हमारे ऑफिशियल नोटिस क्या है कि हमारा रिजल्ट कब किस डेट तक आ जाएगा। और जिन स्टेट्स में रिजल्ट्स आ चुके हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और एमपी में रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उनके क्या रिएक्शन है, किस टाइप से रिजल्ट्स आ रहे हैं, किन स्टूडेंट्स की बैच ज्यादा लग रही है, फर्स्ट ईयर में लग रही है या सेकंड ईयर में लग रही है, उनके क्या रिएक्शन हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो पे आ गए तो थम्स अप गाइस, लाइक कर दो और जो भी डाउट रहे कमेंट नाउ। आपकी दीदी आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा देती है, आपको पता ही है। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब, शेयर। कंफर्म डेट है तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, अगर रिजल्ट 15 डेट को आ रहा है, ये भी बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता कि रिजल्ट आ जाता है, तो फिर बहुत से बच्चों को क्या होता है एक दो दिन तक वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट देखा ही नहीं जाता है इस वजह से, क्योंकि वेबसाइट जो होती है बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के तो वेबसाइट तो बिजी होना ही। और चैनल पे नया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में नोट्स, पीडीएफ और वे क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से सेम मैच करते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चैनल है और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो। चलो जल्दी से बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ कि आप लोग के एग्जाम के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिखाई गई है, जो है उसको पढ़िए और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऑफिशियल अपडेट देखने के लिए, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हो और ये बहुत ही 100% श्योर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये BTUP की वेबसाइट रहता है। इसको आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इसको क्लिक करने के बाद खुल रहा है हमारा BTEUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग का था कि स्टूडेंट सिलेबस एग्ज़ाम्स कब होगा, अब हम लोग को क्लिक करना है रिजल्ट्स पे, क्योंकि हमें रिजल्ट्स देखना है, हम लोग के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी आपको कौन सी नोटिस देखने को, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अब हम लोग को पता करना है कि कब तक आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसको बैक करेंगे, बैक लेने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो देखिए यहाँ पे व्यू ऑल न्यूज़, ओके, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो भी रहती हैं टेक्निकल के तो यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट जो नोटिस आई हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है 2023-24 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम, मतलब कि जो सिलेबस है उसको दिया गया है, ठीक है, जानने से संबंधित आवश्यक सूचना कुछ दी गई है इसके बारे में। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन पे देखेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस दी गई, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड होके आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे आप लोगों को या टीचर्स को क्या बताया गया है, मेन बात ये, ठीक है। 24/8/23 डेट है यहाँ की, और देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट है, विषय यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है, मेन बात है कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिजल्ट जो है उन और री रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड सभी जो प्रैक्टिकल्स हो गए, गेम्स हो गए या नेचर, जैसे कि स्टूडेंट्स बिहेवियर, नहीं बहुत से बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं, बहुत से कॉलेजेस में क्या किया जाता है, अगर कोई बच्चा शैतानी बहुत ज़्यादा किए रहता है तो स्टूडेंट्स जो ये कॉलम होता है कि स्टूडेंट्स नेचर वाला कि उनमें मार्क्स दिए जाते हैं गेम्स वगैरह, तो नंबर्स कट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कॉलेजेस
BTUP की तरफ से सभी कॉलेजेस में सेंड किया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोट है, आप भी देख सकते हो, स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो मेन बात है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 अगस्त 2023 तक ये जो अभी आप लोगों ने देखा सब्जेक्ट जो था हमारा, कि सभी कॉलेजेस में ये जो नंबर्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के नंबर हो गए और ये जो गेम्स वगैरह के ऐड होते हैं नंबर, इन सभी की हमारे कॉलेजेस की तरफ से लिस्ट बना के BTUP की वेबसाइट है जहाँ पे भी अपलोड होते हैं नंबर, उनको सेंड करना पड़ेगा। सिर्फ इसी वजह से हमारे एग्ज़ाम का जो वो है प्रोसेस वो रुका हुआ है। और कॉपियाँ चेक करने के लिए तो टीचर्स लगे हुए हैं, जैसे कि हम लोग का सेंटर जाता है वैसे ही टीचर्स को भी भेजा जाता है दूर दूर कॉपियां चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है होगा शायद। तो यहाँ पे ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बार बार निर्देश किया जा रहा है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स ही बहुत ही ज़्यादा वो लेज़ी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी होते हैं लेज़ी होते हैं, बहुत लेज़ी वर्क रहता है, और इसी की वजह से हमारे सारे जो वर्क रिज़ल्ट हो गया या फिर हमारा सेशन स्टार्ट करना, न्यू सिलेबस स्टार्ट करना, इसी वजह से लेट हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था कि हमारा VTU की तरफ से ये नहीं कंफर्म हो पा रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल पहले होगा कि बाद में होगा। बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे जी हमारे कॉलेज में तो प्रैक्टिकल ही नहीं लिया गया, तो उन लोगों को अभी ये मतलब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स, अगर आपके ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं है तो आप कॉलेजेस में टीचर्स से पता करिए कि हाँ प्रैक्टिकल हुआ भी है, ऐसा तो नहीं है आपका प्रैक्टिकल छूट गया है, इस वजह से आप लोग पता करते रहिए। एक बच्चे का कमेंट्स आया था मेरे पास कि दीदी हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो आप जाके पता करो कि कॉलेज में प्रैक्टिकल हो चुका है या नहीं हुआ है, आपका कहीं छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी, अगर नहीं हुआ है, किसी भी बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कॉलेज वाले पैसे वैसे दे के शायद हैंडल कर लेते हैं, इस वजह से आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, ठीक है। और कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको ये कंफर्म अपनी तरफ से आपको श्योर रहना है कि हाँ हमने इतनी फ़ीस आपको कॉलेज की तरफ हमने आपको कॉलेज को दी है, तो हमारा सब कुछ अच्छे से श्योर होना चाहिए 100%, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से अपनी तरफ से आपको 100% आपको मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, तो नो टेंशन। अगर हो गया है, आपका छूट गया, तो भैया जल्दी से करो, टीचर से बात करो कि हाँ मेरा छूट गया है प्रैक्टिकल, ठीक है, किसी तरह कंप्लीट करो। यहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26 अगस्त तक मतलब कि कहा गया है, वार्निंग दी गई है कि इतना जल्दी से कर लो, ठीक है। वो डेट बहुत ही ज़्यादा 100% श्योर होने वाली है, क्योंकि मैं जो आपसे बोलती हूँ वो तो होना ही होना रहता है, सभी को पता ही होगा। न्यू स्टूडेंट हो तो नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है, और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करवाई थी, जो क्वेश्चंस बताए थे आए थे, पता ही होगा, है ना। तो होप सो आपने अच्छे से देखा होगा कि इसमें क्या बताया गया है, क्या चल रहा है अभी, और अभी एग्जाम की कॉपियां चेक हो रही हैं, कितने डेट तक एग्जाम की कॉपियां चेक होंगी, सब कुछ इसमें बताया गया। और जैसे कि हम लोग के एग्जाम देने के लिए सेंटर जाते हैं ना, वैसे हम लोग के टीचर्स के भी एग्जाम की कॉपी चेक करने के लिए सेंटर भेजे जाते हैं कि आपको इतनी दूर अपना स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करने के लिए जाना पड़ेगा, और उसके लिए रुपए भी मिलते हैं, इस वजह से दूर दूर तक भेजा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अभी 20 डेट तक ये प्रोसेस था कि कॉलेज वालों की तरफ से पूरे प्रैक्टिकल नंबर। बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हमारे कॉलेज में भी प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ क्या करें, प्रैक्टिकल के नंबर कैसे ऐड होंगे। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज वालों से क्लियर करिए कि हाँ अगर हमारे नंबर कटे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ऐसा आप कहोगे, और फिर उनकी जिम्मेदारी, फीस उन्होंने लिया 2 लाख रुपए लिए ऐसे, तो फिर वो अच्छे से ही करवा के देंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो वो उनके ऊपर है, आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आपका ये था कि आपको एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि आप लोगों का रिजल्ट कितने डेट को आएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, 15 सितंबर तक, जहां तक मुझे लग रहा है 15 सितंबर तक रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। और फिर आप लोग का बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आए थे कि हमारे रिजल्ट नहीं आए, इस वजह से ट्रेनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, हम कैसे अपने अप्रेंटिस कर पाएंगे, ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन कर पाएंगे हॉस्पिटल में, तो इस वजह से रुका हुआ था बहुत से कॉलेजेस में। तो रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद ट्रेनिंग भी आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। और बहुत से बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि हमारा
और किन स्टूडेंट्स की बैक लग रही है ये बहुत जरूरी है जानना। कि देखिए फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो कंफर्म है कि उनको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा। इस वजह से आपने अभी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, जो ये अभी खाली टाइम है ना, जो खूब चिल कर रहे हैं आप लोग, इसमें आप लोग रिवीजन करो। अगर खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो जो वीडियोज अपलोड है उन्हें रेगुलर देखते रहो, रिवाइज कर लो, हैंड फ्री लगा के आप आराम से सुन सकते हो। कोई भी वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी बाहर हो तब भी वीडियोस को ऐसे रिवाइज करके आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि कॉपी किताब लेके ही बैठू तभी ये पढ़ाई हो पाएगी। अगर आपके पास है टाइम तो फिर आप कॉपी किताब से ही अच्छे से पढ़ सकते हो, वो जो आपके नोट्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जहां से भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिस चैनल से पढ़ा हुआ है, एनीवे किसी से भी जहां से आपको अच्छा लगा है, जैसे आपको बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मुझे आपका समझाने का तरीका अच्छा है, तो मैं जो समझाती हूँ अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे टाइम में इतनी ज्यादा वो नहीं था कि हाँ बहुत सारे चैनल्स हैं, हाँ सभी से पढ़ लिया। और अब तो बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं कि कहीं से भी आप पढ़ सकते हो जहां से आपको कंफर्टेबल लग रहा है। और रही बात कि किन स्टूडेंट्स की बैक लग सकती है, तो सेकंड ईयर वालों की बैक लगने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, इस वजह से उन स्टूडेंट्स की बैक लगने की चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा वन ईयर में, पूरा न्यू स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, एडमिशन लिए हो, तो रेगुलर आपको किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फार्मेसी का सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही लर्निंग वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, लर्न करना पड़ेगा रिपीट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 6 और एक एडिशनल यूपी का है तो वहां पे एनवायरमेंट ऐड रहता है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, पहले 6 थे जब मैंने किया था तब 6 थे, अब 5 कर दिए गए। तो इन सभी को रिवाइज करते रहिए, जो भी आपने नोट्स बनाए उन्हें अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि आपको एग्जिट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एग्जिट एग्जाम अगर आप नहीं दोगे तब तक आपका डिप्लोमा करने का, फार्मेसी करने का, ना एग्जिट एग्जाम दिए आप लोगों का पीसीआई में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, इस वजह से जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करते रहिए। पढ़ने का मन नहीं है तो फिर वीडियो चलाइए, उन्हें एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो को कवर करो, उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड ईयर में तो आपको तैयारी और सब्जेक्ट ऐड हो ही जाएंगे, ज्यादा सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी हार्ड है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हमारे हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं, इजी सब्जेक्ट कौन से, तो ये भी बताऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएंगे, तो आप लोग के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे रिजल्ट कब तक आएंगे, तो मैंने आपको कन्फर्म डेट, जहां तक किसी ने भी नहीं बताया होगा इतनी डेट को लग रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है कि कंफर्म है आ सकता है, तो मैंने बता दिया आपको 15 सितंबर तक आ जाएगा आई थिंक। और ये सच भी हो सकता है, होगा ही, क्योंकि ये पूरे अच्छा मतलब कि पूरा कंफर्म डेट है। तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, अगर रिजल्ट 15 डेट को आ रहा है, ये भी बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है कि रिजल्ट आ जाता है तो फिर बहुत से बच्चों को क्या होता है, एक दो दिन तक वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट देखा ही नहीं जाता है। इस वजह से क्योंकि वेबसाइट जो होती है बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के, तो वेबसाइट तो बिजी होना ही बात नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो में ये भी आप जान लो कि आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसको रिजल्ट को चेक कैसे करना है, ठीक है। इस वीडियो में ये भी जानेंगे, पहले आपको क्या करना है स्क्रीन पे देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो और जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर वाले, वो सभी लोग ध्यान से सुन लें कि जो एग्जिट एग्जाम होगा वो ऑल स्टेट, पूरे स्टेट में एक ही दिन एग्जाम होगा, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इस वजह से अच्छे से जो भी पढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत सारा पढ़ लो, वो एक दिमाग से बाहर है, जितना पढ़ो थोड़ा सा पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहो, एग्जिट एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन आपको रिवाइज जरूर करना है, तभी ये पॉसिबल है। और नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं वो भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो फार्मेसी कर लिए हैं वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे, मेरी ट्रेनिंग जर्नी कैसे रही थी, मैंने शेयर किया है आप लोगों को पहले ही, नहीं देखा है तो देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड।
ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है कि एग्जाम की कॉपी अगर बैक लगती है तो आपको री एवल्यूशन कराना चाहिए या स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, किसमें कम फीस लगेगी, किसमें कितनी फीस लगेगी, ये सब बात। और बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फार्मेसी के बाद जॉब करनी चाहिए या हायर स्टडी करनी चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये भी बताएंगे एक एक वीडियो करके। और वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले प्लीज गाइस थम्स अप, आपका है कोई बेस्ट वाले फ्रेंड तो शेयर, नया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, फुल वीडियो देखने के लिए।